मानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इस किले को भूतों का घर भी कहा जाता है। कहते हैं कि एक तांत्रिक के श्राप से ग्रस्त लोगों की आत्माएं आज भी इस किले में भटकती रहती हैं। इस किले का डर इतना ज्यादा था कि भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा किले के मुख्य दरवाजे पर एक बोर्ड लगवा दिया गया, जिस पर चेतावनी लिखी गई कि सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना वर्जित है। नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 236। जिज्ञासु व्यक्ति के मन में हमेशा ही छिपे रहस्यों को जानने की इच्छा रहती है। सैफ और नागेंद्र भी उन्हीं व्यक्तियों में से थे जो दुनिया जहान के सभी रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते रहते थे। सैफ बेंगलुरु का रहने वाला था और नागेंद्र जयपुर में रहता था। दोनों का जब भारतीय पुरातात्विक विभाग में चयन हुआ तो मानो उनके मन की मुराद पूरी हो गई हो। एक दूसरे से मिलने के बाद ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। भानगढ़ किले के चारों ओर एक पुरातात्विक विभाग की टीम मौजूद रहती है और उन दोनों की पोस्टिंग जब वहां कर दी गई तो उनके मन में भी भानगढ़ किले के रहस्य को जानने की उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। नागेंद्र के तो पुरातात्विक विभाग में आने का कारण ही भानगढ़ था। अपने दोस्तों के साथ जयपुर से वो बहुत बार भानगढ़ आ चुका था और एक दो बार उसने सूर्यास्त के बाद किले में रुकने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार वो पकड़ा गया। भानगढ़ के किले का रहस्य जानने की उसकी इच्छा दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती गई और नागेंद्र ने पुरातात्विक विभाग में जाने का निर्णय लिया। और सैफ का हमेशा से यही मानना था कि प्रत्येक गढ़, उसकी दीवारें, नक्काशी और यहाँ तक कि प्राचीन किलों की मिट्टी खुद अपने अतीत की कहानी कहती है, जिसे सिर्फ पुरातात्विकता ही सुन सकते हैं। सैफ को भी ये कहानियां सुननी थी, इसलिए उसने पुरातात्विक क्षेत्र में जाने का फैसला लिया था। जब दोनों की भानगढ़ टीम में पोस्टिंग हुई तो दोनों ने भानगढ़ किले का रहस्य जानने की एक योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिखकर रात में वहां शोध करने के लिए अनुमति मांगी। तो जाहिर सी बात थी कि रात को शोध करना वहां खतरे से खाली नहीं था, तो इसी कारण उनको अनुमति नहीं मिली। इससे दोनों काफी निराश थे। भानगढ़ के किले का रहस्य जानने की उनकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने बिना अनुमति के भानगढ़ किले में रात को प्रवेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी योजना जब अपने एक साथी को बताई तो हैरानी से वो उनकी तरफ देखता हुआ बोला, तुम दोनों भानगढ़ में रात को रुकना चाहते हो? पागल पागल तो नहीं हो, और वो भी बिना अनुमति के? नागेंद्र ने ये बात सुनते ही अपने साथी से कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि जब सुपरवाइजर नाइट रूटीन पर चेकिंग के लिए आए तो उन्हें हमारे ना होने का कोई बहाना बना देना। थोड़ा अकड़ते हुए उनके उस साथी ने जवाब दिया, अच्छा, तुम लोगों को ये क्यों लगता है कि मैं तुम दोनों के लिए झूठ बोलूंगा? ये सुनते ही सैफ मुस्कुराते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कि हमें पता नहीं है कि शोध के लिए लाई हुई पुरातात्विक मूर्तियों में से सबसे कीमती मूर्ति किसने चुराई थी? ये बात सुनते ही उनके उस साथी के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। ये देखकर सैफ ने रुमाल से पसीना पोंछते हुए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये बात हमने आज तक छुपा रखी थी और हमेशा छुपी रहे तो हमारी मदद तो करनी पड़ेगी। ये सारी बातें सुनकर उनका वो साथी मन ही मन में सोच रहा था कि ये मरना ही चाहते हैं तो मरे, इसमें उसका ही फायदा था। यही सोचता हुआ और हामी भरता हुआ वो साथी बोला, ठीक है, मैं सर को बोल दूंगा कि सैफ की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए नागेंद्र उसे लेकर हॉस्पिटल गया है। सैफ और नागेंद्र ये सुनकर काफी खुश थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा खुश उनका वो साथी था।
और अगले ही दिन सैफ और नागेंद्र सूर्यास्त के बाद चुपचाप भानगढ़ किले के अंदर चले गए। अंदर प्रवेश करते ही दोनों काफी खुश थे, पर उन्हें शायद ये नहीं पता था कि उन्होंने यहां आकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। शाम होते ही पूरा किला काले अंधेरे में डूब चुका था। ये देखकर दोनों समझ चुके थे कि इस किले का इतना भय क्यों था। दोनों वहीं खड़े किले को निहारते हुए आगे जाने की योजना बना रहे थे कि तभी किसी के चलने के साथ साथ ही पायल की खनक की आवाज उन दोनों को साफ साफ सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर ऐसा लगा मानो कोई औरत उन दोनों के पीछे की तरफ से आई हो और आगे की तरफ चली गई हो, पर चारों तरफ देखने पर दूर दूर तक उन दोनों को कोई नहीं दिखा। हालांकि सैफ और नागेंद्र अभी भी उस किले से बाहरी छोर पर थे, तो किसी भी आवाज पर ध्यान दिए बिना दोनों आगे बढ़ते रहे। थोड़ा आगे बढ़ने पर किले के गलियारों से बहती डरावनी हवाओं की आवाजें उनको सुनाई दे रही थी। सैफ और नागेंद्र किले की एक टूटी फूटी दीवार से बने द्वार से अंदर की तरफ दाखिल हुए। उनके चलने से पैरों से चटकते पत्थरों की आवाजें और उस किले की डरावनी आवाजों से उस किले का माहौल और भी डरावना लग रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सैफ और नागेंद्र किले के बीचों बीच पहुंच चुके थे, जहां से किले के ऊपरी भाग को भी देखा जा सकता था। पर सैफ और नागेंद्र की टॉर्च की रोशनी उतनी काफी नहीं थी कि इतने बड़े किले को दूर दूर तक देखा जा सके। इसी कारण सैफ और नागेंद्र किले के हर भाग को पास जाकर देख रहे थे। अब सैफ और नागेंद्र ने किले के ऊपरी भाग को जाने का फैसला किया, जहां चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक था। समय के साथ पत्थरों से बनी सीढ़ियां काफी टूट फूट चुकी थी, जिसके कारण सैफ और नागेंद्र बड़ी मुश्किल से किले के उपले भाग तक पहुंचे। अभी सैफ और नागेंद्र उपले भाग से किले को देखने की कोशिश कर ही रहे थे कि पीछे से आती एक आवाज की तरफ उनका ध्यान गया। आवाज को सुनने से ऐसा लग रहा था मानो कोई उन सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, जिन सीढ़ियों से अभी अभी सैफ और नागेंद्र चढ़कर आए थे। भागते हुए सैफ और नागेंद्र उसी तरफ टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश करने लगे। पर वहां टूटी हुई सीढ़ियों से सरकती हुई धूल के अलावा और कोई नहीं था। ये देखकर सैफ और नागेंद्र वापिस मुड़कर आगे की तरफ पढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि एक बार फिर वही आवाज उन दोनों को फिर सुनाई दी। थोड़ा डरते हुए सैफ और नागेंद्र एकदम से पीछे देखने को हुए ही थे कि तभी टॉर्च की रोशनी में एक काली परछाई उन दोनों को दीवार के पीछे छुपती हुई दिखी। ये देखकर सैफ और नागेंद्र के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आंखें बड़ी बड़ी करते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब वो समझ चुके थे कि कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा था। धीरे धीरे डरते हुए दोनों टॉर्च की रोशनी में उस दीवार तक पहुंचे और जैसे ही दीवार के पीछे देखा तो एक बार फिर वहां कोई नहीं था। दोनों यही सोचते हुए पीछे मुड़कर आगे की तरफ पड़े कि डर से बहम हो रहा होगा,
अभी लगभग 10 कदम आगे गए होंगे कि किसी के चलने की आवाज उन दोनों को साफ साफ सुनाई थी। और अभी ये आवाज उनके बिल्कुल पीछे से आ रही थी। डरते हुए दोनों एक बार फिर पीछे की तरफ देखने लगे, पर अब ये आवाज अंधेरे से सीधा उनकी तरफ बढ़ रही थी। सैफ और नागेंद्र डरे हुए टॉर्च की रोशनी में हर तरफ देखने लगे। बड़ी अजीब बात थी, किसी के कदमों की आवाज उन दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर वहां चारों और उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तभी हड़बड़ाता हुआ सैफ चिल्लाता हुआ बोला, कौन है? कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आ रहा? कौन है वहां? पूरे किले में सैफ की आवाज के अलावा वहां और कोई आवाज नहीं हुई। डरे हुए सैफ और नागेंद्र उस आवाज को अपने करीब आते सुन उल्टे कदमों से पीछे हटने लगे। वो दोनों कुछ भी समझ पाते कि एक डरावनी चीख की आवाज से पूरा किला गूंज उठा। एकाएक वो कदमों की आती आवाजें अब बंद हो गई थी और अंधेरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई सिसक सिसक कर रो रहा हो। सैफ और नागेंद्र इन सभी चीजों से काफी डर चुके थे और उसी तरफ देख रहे थे कि अंधेरे के बीचों बीच एक पत्थर लुढ़कता हुआ सैफ और नागेंद्र के पैरों के पास आकर रुका। ये देखकर सैफ ने चिल्लाते हुए एक बार फिर पूछा, कौन है? कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आ रहा? पर उस अंधेरे में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी में सैफ और नागेंद्र एक बार फिर उसी तरफ देखने के लिए आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो दोनों उसी अंधेरे के करीब जा रहे थे, उन दोनों को एक अजीब सी मनहूसियत का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे चलते हुए दोनों उसी दीवार के पास पहुंचे जहां से वो रोने की आवाजें और पत्थर आया था, पर अभी वो उस दीवार के पीछे देखते एक बार फिर भयानक चीख से पूरा किला गूंज उठा। डर से एक दूसरे को पकड़े सैफ और नागेंद्र मानो पत्थर की तरह वहीं जम गए हों। इन सभी घटनाओं से नागेंद्र काफी डर चुका था। डरता हुआ नागेंद्र सैफ की तरफ देखता हुआ बोला, भाई हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, चल निकलते हैं अब यहाँ से। इन सभी चीजों से डरा हुआ तो सैफ भी था, पर ये किले में हो रही अजीब घटनाओं का रहस्य जानने की उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी हालत में ये सब जान लेना चाहता था कि आखिर इस किले में हो क्या रहा है। कुछ सोचता हुआ सैफ बोला, अरे नागेंद्र डर मत इतना यार, अगर कुछ होना होता तो अभी तक हो जाता। यहाँ बस ये रूहें हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं, बस तू डर मत मेरा भाई, मैं हूं ना तेरे साथ। और डर को दबाए हुए सैफ मुस्कुराता हुआ एक बार फिर बोला, मर जाऊंगा पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा यार, भाई भरोसा रख। बातें करते हुए अब उन दोनों का डर थोड़ा खत्म हो चुका था। उपले भाग में घूमते हुए सैफ और नागेंद्र उस चार तरफा किले में दूसरी तरफ बने गलियारे पर पहुंचे। किले का यह गलियारा बाकी सभी जगहों से थोड़ा अजीब था। यहाँ बहुत ही अजीब गंध हर तरफ फैली हुई थी, मानो ऐसा लग रहा था कई दिनों से किसी जानवर की लाश सड़ रही हो।
धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ते हुए सैफ और नागेंद्र एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उस ऊपरी भाग का फर्श समय के साथ टूटकर निचले भाग में जा गिरा था। अभी वो दोनों नीचे पड़े उस फर्श को देख ही रहे थे कि नीचे से एक भयानक आवाज आने लगी। सैफ और नागेंद्र टॉर्च लगाकर ये देखने की कोशिश करने लगे, पर उस जगह को ऊपर से देख पाना बिल्कुल संभव नहीं था। ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई जानवर किसी चीज को नोच नोच कर खा रहा हो। दोनों ये देखने के लिए वापिस की तरफ भागे ताकि सीढ़ियों से उतरकर नीचे वाले भाग में देख सकें। दोनों उसी टूटे फर्श को पार करके टॉर्च की रोशनी में उस अंधेरे में देखने को हुए ही थे कि जोर से चिल्लाने की आवाज करता हुआ कोई उनकी तरफ पड़ा। अभी दोनों कुछ समझ पाते वो भयानक काला साया उनके आर पार हो गया और उनके पीछे काले घने अंधेरे में गायब हो गया। ये सब देखकर अब उन दोनों की रूह तक डर चुकी थी कि तभी डरता हुआ नागेंद्र एक बार फिर बोला, भाई यहाँ सब कुछ गलत है यार, अब निकलते यहाँ से, चले यार जल्दी। पर इतना होने के बाद भी सैफ इस किले के रहस्य को जाने बिना जाना नहीं चाहता था। अभी सैफ इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था कि डरता हुआ नागेंद्र उसे उंगली का इशारा करते हुए कुछ दिखाने लगा। दोनों बड़ी बड़ी आंखें करते हुए किले के उपले भाग के गलियारे की तरफ देखने लगे क्योंकि बहुत से काले साए उस गलियारे पर खड़े उन दोनों की तरफ ही घूर रहे थे। सबसे अजीब बात ये थी कि बिना किसी रोशनी के बिल्कुल घने अंधेरे में वो साए सैफ और नागेंद्र को बिल्कुल साफ साफ दिख रहे थे। ये देखकर उन दोनों के डर से पैर कांपने लगे क्योंकि अभी तक जो चीजें सिर्फ आवाजों से डरा रही थी अब वो उनके बिल्कुल सामने खड़े थे। अभी सैफ और नागेंद्र कुछ समझ पाते कि वो काली परछाइयां सैफ और नागेंद्र की तरफ पड़ने लगी। ये देखकर सैफ और नागेंद्र पागलों की तरह बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे, पर थोड़ी ही देर में समझ चुके थे कि वो बाहर जाने के रास्ते के बिल्कुल विपरीत भाग रहे हैं। दोनों इतना डर चुके थे कि सामने दिखती उन ऊपरी भाग की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागे। भागते हुए उन दोनों को उन परछाइयों की भयानक आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। भागते हुए वो दोनों उपली मंजिल के लास्ट छोर पर आकर एकदम से रुक गए क्योंकि वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। डरे हुए दोनों पीछे आती उन डरावनी आवाजों की तरफ देखने को हुए ही थे कि तभी एक डरावनी चीख की आवाज के साथ ही वो सब परछाइयां उन पर झपट पड़ी, जिसके डर से सैफ और नागेंद्र उसी उपली मंजिल से नीचे गिर गए। एक चिल्लाने की आवाज के साथ ही सब एकदम शांत हो गया। और जब आंख खुली तो नागेंद्र ने खुद को अकेला किसी मंदिर में पाया। गिरने से नागेंद्र की टांग टूट चुकी थी और दर्द से कराहता हुआ उठा तो मंदिर के सामने सैफ को खड़ा देख उसकी सांस में सांस आई और दर्द से कराहता हुआ सैफ को आवाज लगाते हुए बोला, आज तो हम बच गए भाई, तू ना होता तो आज मैं मर ही गया होता। सैफ ने बाहर से ही मुस्कुराते हुए नागेंद्र की तरफ देखते हुए बोला, बोला था ना मर जाऊंगा पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा।
नागेंद्र उसी मंदिर में लेट गया और जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और पुरातात्विक विभाग के लोग वहां पहुंच चुके थे। नागेंद्र को हॉस्पिटल ले जाया गया। सैफ के बारे में पूछने पर पता चला कि किले की छत से गिरने से उसके सिर पर गहरी चोट लगने से रात को ही सैफ की मौत हो चुकी थी। नागेंद्र ये सुनकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अगर सैफ की मौत हो चुकी थी तो किले से मंदिर तक उसे कौन लाया था? सैफ की उसी बात को सोचकर नागेंद्र की आंखों में आंसू आ गए कि उसने बोला था, मर जाऊंगा पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मर के भी सैफ अपने दोस्त नागेंद्र से किया हुआ वादा निभा गया था और आज इस बात को 3 साल हो चुके हैं और आज भी नागेंद्र की शिफ्ट वहीं भानगढ़ किले में है और कभी कभी नागेंद्र को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।